हेलो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल और आज की इस वीडियो में हम हमारी कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी की सीरीज़ का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं रूटकिट से रिलेटेड तो इस वीडियो के अंदर जो है मैं आपको कम्प्लीट एक्सप्लनेशन दूँगा रूटकिट की कि बेसिकली रूट किट होता क्या है और ये बेसिकली ऐसा क्या करता है आपके सिस्टम में कि जिससे जो है इसकी साइबर सिक्योरिटीज़ में कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी के अंदर इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इस टॉपिक की सो so, वो कम्प्लीट पार्ट जो आज हम डिस्कस करेंगे सो लेट स्टार्ट विद द डेफिनेशन वट इज़ रूट किट तो रूटकिट जो है बेसिकली आपका एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि हैकर्स यूज़ करते हैं आपके सिस्टम के एक्सेस को कॉन्स्टेंटली मेंटेन करने के लिए मतलब हैकर जो है एक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जिसका नाम बेसिकली रूटकिट है जो कि आपके सिस्टम का आपके कंप्यूटर या फिर आपके नेटवर्क का जो है कांस्टेंट एक्सेस उनको प्रोवाइड करता है जिससे आपके सिस्टम में जो भी चीज़ें वो करना चाहते हैं जो भी कंटेंट वो यूज़ करना चाहते हैं जो भी डेटा वो चाहते हैं वो सब वो ईज़िली यूज़ कर सकते हैं ईजिली एक्सेस कर सकते हैं सो रूटकिट जो है बेसिकली एक तरीके से सर्विस प्रोवाइडर है वो किस तरह की सर्विस प्रोवाइड करेगा वो विक्टिम का जो है कंप्यूटर का या विक्टिम के कंप्यूटर नेटवर्क का डेटा कंप्यूटर नेटवर्क का एक्सेस जो है एडमिनिस्ट्रेटर लेवल का एक्सेस एडमिनिस्ट्रेटर लेवल के एक्सेस का मीनिंग है कि आपके सिस्टम में जो जो चीज़ें एडमिनिस्ट्रेटर कर सकता है जो भी चीज़ें जो भी पॉसिबिलिटीज़ आप चेंज कर सकते हैं एज ए ओनर वही चीज़ जो है हैकर भी कर सकता है विद द हेल्प ऑफ रूटकिट तो रूटकिट क्या करेगा आपको कॉन्स्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर लेवल का एक्सेस जो है प्रोवाइड करता रहेगा विक्टिम के कंप्यूटर का या फिर नेटवर्क का रूटकिट जो है बेसिकली इंस्टॉल किया जाता है अब रूट किट को इंस्टॉल किस तरीके से कर सकते हैं विक्टिम्स के कंप्यूटर में ये इस तरीके से इंस्टॉल होता है या तो आपका जो कंप्यूटर का पासवर्ड आपके जो सिस्टम का पासवर्ड है वो स्टोलन कर लिया गया हो चोरी कर लिया गया हो या फिर आपके सिस्टम में कोई ऐसी वलनेबिलिटी है जो कि आपके सिस्टम को ईजिली एक्सेस कर सकता है अगर हैकर उस वल्नरेबिलिटी पे अटैक करें रूटकिट्स को जो है इंस्टॉल किया जाता है बिकॉज सॉफ्टवेयर है सॉफ्टवेयर हमारे हमेशा क्या होते हैं इंस्टॉल होते हैं तो रूटकिट्स को जो है इंस्टॉल किया जाता है कहाँ पे विक्टिम्स के कंप्यूटर में अब विक्टिम्स के कंप्यूटर में इंस्टॉल होने के लिए विक्टिम्स के कंप्यूटर में एंटर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अब उसके अंदर एंटर करने के लिए हमारे पास दो मैथड है जो कि रूटकिट्स के अंदर डिफाइन किए हुए हैं पहला होता है स्टोलन पासवर्ड कि पासवर्ड को चोरी कर लिया गया आपके और उसके बाद जो आपके सिस्टम में रूटकिट को इंस्टॉल कर दिया गया है और सेकेंड मैथड है एक्स ए सिस्टम वनरेबिलिटी कि आपके सिस्टम के अंदर कोई ऐसी वनरेबिलिटी है जिससे आप किसी के सिस्टम के अंदर किसी के कंप्यूटर के अंदर जो एंटर हो सकते हैं और ये जो दोनों प्रोसेस है ये विक्टिम्स को नहीं पता होते इट मीन्स अगर आपके सिस्टम के अंदर रूट किट किसी ने इंस्टॉल कर दिया किसी हैकर ने इंस्टॉल कर दिया आपके पासवर्ड को स्टॉल करके आपकी वलनरेबिलिटी पर अटैक के तो उसके बाद जो भी आपके सिस्टम का कॉन्स्टेंट एक्सेस कॉन्स्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर लेवल का एक्सेस जो हैकर के पास जा रहा है उसकी नॉलेज जो है विक्टिम्स के नॉन में नहीं होगी तो ये जो है रूट किट का सिंपल सा अंडा है अगर मैं आपको ओवरव्यू एक बार फिर इस कम्प्लीट स्लाइड का तो रूटकिट एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपके सिस्टम का एक्सेस हैकर को प्रोवाइड करता है रूटकिट सॉफ्टवेयर है तो बेसिक सी बात है इंस्टॉल करना पड़ेगा और रूटकिट इंस्टॉल कैसे होता है जब किसी हैकर के पास या किसी अटैकर के पास आपके सिस्टम का जो है एक्सेस होगा सो रूट किट्स के बारे में थोड़ा और डिटेल में जानते हैं कि रूट किट बेसिकली वर्क कैसे करता है तो रूट किट जो है यूज़र मोड एप्लीकेशन को एम करता है टारगेट करता है यूज़र मोड एप्लीकेशन का मीनिंग है जो भी एप्लीकेशन आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल है जो यूज़र यूज use कर रहा है कॉन्स्टेंटली उन एप्लीकेशन के ऊपर जो है प्राइमरली किट फोकस करता है और वो क्या करता है वो सिर्फ आपकी यूज़र एप्लीकेशन्स ही नहीं आपके कर्नल और इवन आपके फर्मवेयर फर्मवेयर क्या होता है फर्मवेयर आपका एक सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम एंटी मेलवेयर सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं एंटी सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं जो कि आपके भी सिक्योरिटी को करता है। तो रूटकिट जो है, है अटैक करने की कोशिश करता है और अगर आपके सिस्टम में रूटकिट इंस्टॉल हो गया हैकर ने कंप्लीटली उसका एक्सेस ले लिया तो उसके बाद जो है रूटकिट जो है आपके जितने भी एंटी मेलवेयर सॉफ्टवेयर हैं यानी एंटी वायरस सॉफ्टवेयर जो भी भी आपके सिस्टम में है उनको वो कंप्लीटली डीएक्टिवेट कर देगा और डिस्ट्रॉय कर देगा इट मीन्स आपके सिस्टम में जो भी एंटी मेलवेयर सॉफ्टवेयर है एंटी सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर है जो कि आपके सिस्टम की सिक्योरिटी मेंटेन कर रहे हैं उनको भी जो है रूट किट कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है बट रूटकिट किसी सिस्टम में एंटर कब जब भी कर सकता है रूटकिट की पूरी फंक्शनैलिटी जब ही एक्सेस होंगी जब आपका सिस्टम जो है मेल फंक्शनड होगा या वो जो है इंफेक्टेड होगा किसी वायरस से बिकॉज वायरस आपके सिस्टम के अंदर वेलरेबिलिटीज़ क्रिएट कर देते हैं जिसकी वजह से आपके कंप्यूटर को एक्सेस करना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि रूटकिट जो है आपके एंटी मेलवेयर सॉफ्टवेयर तक को एंटी सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर तक को जो है डीएक्टिवेट कर देता है डिस्ट्रॉय कर देता है तो इस रीज़न की वजह से जो है हमारे रूटकिट को ट्रैक करना भी बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है जिसकी वजह से जो है हमारा सिस्टम और हमारे सिस्टम का एक्सेस कम्प्लीटली हैकर के पास चला जाता है और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया सारे प्रोसेस जो भी हो रहा है इसके अंदर यूजर को विक्टिम को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं होता है कि उसके सिस्टम की एडमिनिस्ट्रेटर लेवल तक का एक्सेस जो है वो किसी हैकर के पास है और यूजर जो है इस पूरे अटैक से जो है अनअवेयर रहता है

एंटी सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर तक को जो है डिस्ट्रॉय कर सकता है थैंक यू